हेलो गाइस, मेरा नाम यूसुफ असलम और आप देख रहे हो यूसुफ असलम चैनल। तो आज की वीडियो में होने वाला है बहुत ही ज़्यादा अलग, क्योंकि आज की वीडियो में हम क्लैश ऑफ क्लैंस खेलेंगे। तो मेरे पास किसी ने रेड किया है, एनिमी रेड देखते हो। ओहो, लगता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक आर्मी। तो मैं दिखा देता हूँ तुम लोगों को, ये तो पहले लूट ले लें हम लोग। तो ये है भाई मेरा क्लैन, ये मेरा भी से बोलते इलाका। पहले बता दो कि मैं भाई इस गेम में इतना ज़्यादा प्रो नहीं हूँ, तो जो लोग नीचे कमेंट में लिखने वाला है कि तुमने तो इतना बुरा बनाया है। वैसे ठीक ही बनाया है मैंने, नेट से मैंने खुद बनाया है, ट्रैप्स वगैरह सब लगा के, डिफेंसेस को टाउन हॉल के पास रखा, क्योंकि टाउन हॉल से एक स्टार मिल जाता है इसलिए। और बारबेरियन किंग भी यहीं पर, तो टाउन हॉल 8 पे हूँ मैं अभी फ़िलहाल। लेवल मेरा 45 है और मैं इतना ज़्यादा, मैंने बहुत ही मतलब 3 महीने पहले ही शुरू किया ये गेम, 3-4 महीने पहले ही ये गेम शुरू किया। और मेरे पे देखते हैं किसने अटैक किया है। आप खुद देख सकते हो मेरा डिफेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई इनकी आपको आर्मी देख सकते हो यार कितनी सारी है। रिप्ले देखते हैं किस तरह हरा है इसने। पहले तो ये रॉक वाला बहुत खतरनाक है, देख सकते हो। जाहिर सी बात है अगर ऐसी आर्मी होगी तो मैं हार ही जाऊंगा ना, लेकिन मैं ट्रैप्स जो है वो मेरे बड़े काम आए। वाह, मतलब यार बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके से इन लोगों ने मुझे हारा है। तो यार देख सकते हो मैं बहुत बुरी तरह आ रहा हूँ, लेकिन अभी फिक्र नहीं क्योंकि मेरे पास भी मैंने अपनी आर्मी तैयार रखी है और शायद मैंने स्पेल्स रखे थे और स्पेल्स में तैयार अभी नहीं कर सकती क्योंकि अभी मैंने अपग्रेड पे रखा हुआ इसको। ट्रेजर हमारे पास भी कम है अभी, ट्रेजर तो मेरे पास सिर्फ एक बारबेरियन किंग और ये है, विज़र्ड है हमारे पास और बारबेरियन किंग है। तो चलो यार देख सकते हैं कि हम अटैक कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। फाइंड अ मैच, नहीं यार इसको तो हम नहीं कर सकते, ये बहुत ज़्यादा ही हार्ड है। ये कौन सा टाउन हॉल है? मेरा ख्याल है टाउन हॉल 11 या 10 है शायद, नहीं 11 में से आएगा शायद ही, मेरा ख्याल है 11 है शायद, नहीं तो आठ। नहीं ये भी बहुत मुश्किल है, मैं प्रो नहीं हूँ इस गेम में इतना, इसलिए हम थोड़ा कम लेवल वाले से लड़ेंगे। क्या लग रहा है गाइस, इस पे हम जीत सकते हैं? गोल्ड कम है इसमें यार, गोल्ड भी इतना ज़्यादा नहीं। नहीं मुझे कोई अच्छा हो मिल जाए ओपोनेंट, यार उस दिन वाला जो मैंने लगा था ना वो बहुत ही ज़्यादा इजी भी था, उसमें गोल्ड भी ज़्यादा था। तो देखते हैं यार हमें कोई मिल जाए अच्छा सा। ये सही रहेगा, मैं इस पर अटैक करूँ तो सबसे पहले ये मैंने अपने विज़र्ड छोड़ दिया और बारबेरियन किंग भी चला गया है अपने रास्ते पे। और विज़र्ड जो है बहुत तेज़ी से डिफेंसेस को तबाह कर रहे हैं, उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से चलते रहे यार ये विज़र्ड्स, बीच में ट्रैप्स ना आए। ओ यार मुझे लगा मैं नहीं जीत पाऊंगा मैच, बहुत मुश्किल लग रहा है। ट्रेनिंग एरिया को भी मैंने अपग्रेड नहीं किया है, तो
मुझे ये करना चाहिए था कि पहले मुझे बार्बेरियन किंग को छोड़ देना चाहिए था, ताकि सारे जो डिफेंसेस है वो उस पर फोकस करके रखें, और तब तक मेरे सारे जो विजर्ड्स है वो डिफेंसेस तबाह कर लेते। लेकिन खैर देखते हैं, अभी तो टाउन हॉल तक इसी तरह हम लोग पहुँच जाए, विजर्ड मेरे बहुत ही ज़्यादा कम बचे हैं और विजर्ड मेरा एक ही बचा है, नहीं दो बचे हैं विजर्ड, चलो एक गया, अब एक ही बचा है। अगर यार एक ही स्टार मिल जाए तो वो भी काफ़ी है यार। चलो यार एक स्टार तो मिल गया कम से कम हमें। फिलहाल तो अभी मैंने स्पेल फैक्ट्री को भी जो है अपग्रेड पे लगा दिया है, तो उसकी मदद से हम लोग जब आएंगे अगली इसका गेम प्ले पे, तब तक हमारे पास रेज स्पेल भी होगा, जिससे ये गेम और भी ज़्यादा हम जीत पाएंगे अच्छे से। और अभी तो फिलहाल मैं हार गया हूँ, लेकिन हमने एक स्टार तो जीता है, 54% हमने पार कर लिया था बस। बस ये स्पेल फैक्ट्री हो, मेरे ख्याल में मुझे आर्मी को भी इसको कर लेना चाहिए थोड़ा सा अपग्रेड। देखते हैं ट्रेजरी में है कोई हमारे पास कुछ। फोर्टी सेवन जेम्स और चाहिए मुझे। देखते हैं उधर मेरा जेम्स हो गए होंगे शायद, दो ही हैं तक। ओह मेरा डबल कैनन आ गया, मेरा जो कैनन है वो हमने डबल कर लिया है। मेरा ख्याल में इन सबको भी फिलहाल नहीं कर सकता ना डबल में, तो देखते हैं यहाँ पे हम किस चीज़ को अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं अपग्रेड, मैंने कहा ये बिल्डर ब्रेड इसको कर लेना चाहिए मुझे अपग्रेड, क्योंकि एलिक्सर तो हमारे पास बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं अभी। यहाँ भाई बहुत कुछ है अभी करने के लिए अपग्रेड, और मैं अभी जिस क्लैन में हूँ उसका नाम है पाकिस्तान क्लैन है, क्लैन वाले ब्रोजन लीग में हम बहुत पीछे हैं फिलहाल। वॉर वॉन्स हमने सिर्फ 10 वॉर्स ही जीती हैं अभी तक, 50 में 42 मेंबर्स हैं यहाँ पे। तो यार मैं थोड़ा सा तो चलो वॉर का सीन देखते हैं, वॉर का भी क्या है, मुझे तो लिया ही नहीं होगा इन लोगों ने। क्या मैं हूँ नहीं मैं नहीं हूँ। मेरा ख्याल है जीत जाएंगे बस, सही चलनी आ रहा। देखते थोड़ा हमें इसमें पैरों से जेम मिल जाते हैं कि नहीं।
अभी तक मैं टोटल 5-6 जेम्स मिले और देखते हैं मैं जेम्स मिलते हैं कि नहीं मिलते। अच्छा मुझे बात भी करनी थी, एक अनाउंसमेंट करनी थी, ये जो है चैनल पे ना मेरे वीडियोस थोड़ी लेट आएंगी क्योंकि यार मेरा पेपर है 9 तारीख को, तो चैनल पे वीडियोस जो है वो बहुत लेट आएंगी, शायद बीच में तो बिल्कुल ही ना आए, बिल्कुल मतलब ये 15 दिनों में मुझे बहुत मेहनत करनी है, तो शायद मैं अब जो वीडियोस हैं वो शायद मैं 26 तारीख के बाद ही डालूँ क्योंकि ये शायद मेरी आखिरी वीडियो हो या फिर मैंने एक दो वीडियोस बना के रखी हुई हैं वो बीच में अपलोड कर दूंगा, अगर टाइम मिला तो वो अपलोड कर दूंगा, वरना फिर मैं 26 तारीख के बाद ही अपलोड करूंगा शुरू। बाकी पेपर के फाइनल में एक व्लॉग भी आएगा मेरा, तो आप लोगों ने मेरे व्लॉग को बहुत सपोर्ट किया तो इसलिए मैंने दूसरा व्लॉग डाला, उसको भी आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, तो इतनी अच्छी रिस्पॉन्स देके मैंने सोचा कि क्या कहते हैं कि मैं व्लॉग शुरू करूँ, तो बीच में हो सकेगा तो मैं एक व्लॉग डालूंगा, वरना फिर पेपर के एंड में आखिरी पेपर का व्लॉग डालूंगा। तो हम जो है ट्रूप्स भी थोड़े ट्रेन कर लेते हैं इस बार, हम वही इस बार थोड़ा पहले हम थोड़े से बार्बियन ले लेते हैं, नहीं पहले BCA कर लेते हैं, BCA 50 ये और 50 जो बचे हैं, नहीं बाकी के ये रख लेते जायंट रख लेते हैं थोड़े से, चलो यार आज की वीडियो में इतना ही है, अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि तुम्हें मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जानी चाहिए, तो मिलता हूँ मैं तुमसे एक और नई वीडियो में, अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं इसका गेम प्ले पार्ट 2 बनाऊँगा, तो चलिए यार सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब मिलता हूँ तुमसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।